फतेहपुर के इदगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में फर्जी गैंग रेप का मुकदमा लिखाने से नाराज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचा है। ग्रामीण ने न्याय की गुहार लगाई और फर्जी मुकदमा लिखवाने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया गैंग बनाकर महिलाओं ने गांव के कई लोगों पर फर्जी गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में सुलह करने के काम पर रुपए की भी मांग की। ये हमारे यहाँ कुछ तीन चार औरतें हैं मिलके, ये सबके एससी है तो गैंगरेप लगाती हैं और उनसे पैसे की मांग करती हैं। जब नहीं मांग पूरी होती है वहाँ पे गांव में तो कोर्ट में आती हैं, यहाँ मुकदमा दायर करा के कहती हैं सरकार से हमको पैसा तो मिलना ही है, 2 से 3 लाख रुपया मिलता है, मुकदमा लड़ने का मिलता है। और कम से कम हम 12 से 14 लोग आए हैं जिनके ऊपर मुकदमा दायर है, फर्जी मुकदमे दायर है। मेरी 55 साल की उम्र है, मैं गैंगरेप करने लायक हूँ, मेरा उसमें बेटे का नाम है, मेरा है और 4 मेरे 2 भतीजे हैं, सबके गैंगरेप दिखाया है उसने। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहिए। मैं गंगारामपुर की रहने वाली हूँ, हदगांव थाना की। मेरे ससुर जो और मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ, मेरे देवर के ऊपर एक इंद्रानी नाम की जो महिला है उसने आरोप लगाया है। वो ये मेरे बलात्कार कर दिया, उस पर 76 लगवा देती है और जिसका भी देखो आए दिन किसी न किसी सारे ग्रामीणों के ऊपर किसी न किसी तरीके से पीड़ित करती रहती है। पुलिस के पास गई, पुलिस ने क्या किया आपके? पुलिस को क्या, वो लोग पैसे देती हैं, पुलिस मानती है, बस हम जाते हैं तो बोलती हैं हाँ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप लोग घर में रहिए, कुछ नहीं होगा। सुसनेर के सीएमराई स्कूल में 4 छात्राएं प्रार्थना के दौरान बेहोश हो गई। बच्चियों का सुसनेर सिविल अस्पताल में इलाज जारी, इनमें से 3 छात्राओं के हालात ठीक है, 1 की हालात गंभीर है। गंभीर बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है छात्राएं कन्या छात्रावास में रहती है। 3 से 4 बालिकाओं को लेकर आया गया स्कूल में जो कि हॉस्टल में रहती थी, और 3 में 4 में से 1 की हालत थोड़ी गंभीर थी, बेहोश अवस्था में लेके आया था उसको। उसको उपचार देने के बाद बार बार बेहोशी आ रही थी तो उसको अर्जेंटली जिला अस्पताल रेफर किया, और बाकी की जो 3 बालिकाएं हैं वो फिलहाल ठीक है, उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी की इलेक्शन प्लानिंग पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर अलग अलग प्रभारी बनाए जा रहे हैं, दूसरे राज्यों से विधायक बुलाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी कह चुकी है कि उनके पास देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी दूसरे राज्यों से कार्यकर्ताओं को बुला रही है, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगी। मध्य प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी को जरूर जवाब देगी। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत है, दूसरी तरफ कहते हैं हमने पारदर्शिता के साथ प्रशासन 20 साल का दिया है, तीसरी तरफ कहते हैं कि हमारी पार्टी में एक एक कार्यकर्ता देव दुर्लभ है, और फिर इनको इधर उधर के बाहर के राज्यों से यहाँ अनुशासन बनाने लाना पड़ता है, यहाँ पे नियुक्तियाँ करते हैं, तो ये सबसे बड़ी पार्टी इतनी छोटी कैसे होगी? और ये सबसे बड़ी पार्टी जो जीतने का दावा करती है अब की बार 200 बार, और रह गई 200 बाहर से विधायक लेके आ गए। अरे भैया उनको पैसा दिया गया ढेर सारा खर्च करने के लिए कि वोट खरीदो, राज्य योजनाओं के माध्यम से वोट खरीदना चाहते हैं, ये गुजरात से महाराष्ट्र से विधायक भेजे हैं माल लेने के लिए वोट खरीदना है। लोकतंत्र खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, उसका एक और उदाहरण 230 विधायकों की यहाँ पर परंपरागत नियुक्ति करके बीजेपी ने बताया।